रूजवेल्ट होटल का शुमार अमेरिका के तारीखी होटलों में होता है, जिसकी ओपनिंग 1924 में हुई और ये दुनिया के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन न्यूयॉर्क में वाकया है। इसमें 1015 कमरे हैं और 52 लग्जरी स्वीट्स हैं। 1969 में पीआईए ने इस होटल को उस वक्त लीज पर लिया जब उसका बिजनेस कुछ मंदा चल रहा था। पीआईए के इन्वेस्टमेंट आर्म ने एक सऊदी शहजादे के जरिए ये शानदार डील की, जिसके तहत 20 साल बाद पीआईए इस होटल को खरीद सकता था। 90 की दिहाई में होटल के मालिक ने अदालत में मुकदमा कर दिया कि जिस मुआहदे के तहत पीआईए ये होटल खरीदने जा रहा है उससे मिलने वाली रकम मार्केट वैल्यू से बहुत कम है। पीआईए की इंतजामिया अपने सफारतखाने के हमरा अमरीकी कोर्ट में गई और मुकदमा जीत लाई, जिसके नतीजे में 1999 में पीआईए को सिर्फ $36.5 मिलियन में ये होटल मिल गया। 2005 में मुशर्रफ दौर में पीआईए ने सऊदी शहजादे को $40 मिलियन देकर उसके रूजवेल्ट होटल में मौजूद चंद % शेयर्स भी खरीद लिए। मुशर्रफ दौर में 2006 और 2007 में पीआईए ने इस होटल की तजीनों आराइश पर $65 मिलियन खर्च कर दिए। 2009 में पीआईए ने इस होटल की मार्केट वैल्यू करवाई और इसे $1 बिलियन यानी $1,000 मिलियन के इब्स बेचने पर लगा दिया। बदकिस्मती से उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी और हाउसिंग मार्केट क्रैश हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये होटल बिक ना सका। फिर पीआईए ने इसे सेल करने का प्लान वापस ले लिया। इस होटल के इर्द गिर्द वाकया कुछ होटल पिछले चंद माह में फरोख्त हुए हैं, जिससे अंदाजा हो रहा है कि होटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आजकल फिर गर्म हो चुकी है। रूजवेल्ट के स्टैंडर्ड के जितने भी होटल मैनहट्टन के इलाके में पिछले 1.5 साल में बिके हैं, उनकी औसत कीमत $10 से $14 लाख फी कमरा है। रूजवेल्ट में 1015 कमरे हैं और 52 इंतहाई लग्जरी स्वीट्स हैं। इस हिसाब से इस होटल की कीमत कम से कम भी $1,200 मिलियन यानी $1.2 बिलियन तक होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि हुकूमत का पीआईए को प्राइवेटाइज करने का असल मकसद ये होटल बेचना है। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हुकूमत ने इस होटल का सौदा अपने करीबी फ्रंटमैन मियां मंशा के साथ कर दिया है। जानना चाहेंगे कि ये होटल, जिसकी मार्केट वैल्यू $1.2 बिलियन है, वो हुकूमत ने कितने में बेचा है? ये होटल नवाज शरीफ ने तकरीबन $9 मिलियन में बेचा है, यानी असल कीमत का 1% से भी कम। रूजवेल्ट के नाम पर $1 बिलियन से जायद का चूना लगाने वाले अगर अपने खिलाफ होने वाली तहकीकात पर च्याऊ च्याऊ ना करें तो क्या म्याऊ म्याऊ करें?